मिस गर्ल बोल के भेजे, जाने के बाद में घर का काम लगा है, बहुत बहुत परेशान कर दिया। बुलाओ बोल तो 80,000 दियो बोले। तकरीबन 10 से 15 खवातीन जो है हैदराबाद के एक शफी एजेंट चीट करके जो है शफी एजेंट लेकर गया था, तो अल्लाह के फजल से पूरे तकरीबन 12 जो हैदराबाद के 15 हैदराबाद के खवातीन को इंडियन एम्बेसी इन दुबई, इंडियन काउंसलेट इन दुबई ने इनको रेस्क्यू कर लिया है और कुछ लोग जो है रेस्क्यू होकर आ गए हैं। मेरे साथ हमारे यास्मीन हैं, जो इन्हों भी जो है वो शफी नामी एजेंट सितंबर अक्टूबर के महीने में इनको भी भिजाया था, अल्लाह के फजल से इन्हों बच के आ गए दुबई। यहाँ से शफी अंकल मेरे को भेजे दुबई को, यानी कि सेल्स गर्ल बोल के भेजे थे। जाने के बाद में घर का काम लगा है, काम करने लगा रहे थे पूरा घर का। फिर उसके बाद में पूरा कैसा नहीं करते, ये पूरा करना नहीं भेजते बोल के बोले। आपको कुछ मारे करे वहाँ पर, गाली गलौज कर रहे थे वो लोग, मार रहे थे बोल के इतला मिली, वो क्या है बोली? जी हाँ मार रहे थे, एक दो मारे भी मेरे को। शफी के ऑफिस को आए आप, पुलिस में गए थे आप? पुलिस में गए तो वहाँ की पुलिस भी कुछ भी नहीं सुन रही थी, जो अरब के घर के नहीं सुनते बोल के बोले। तो फिर वहीं आके बैठ गए मैं, फिर वहाँ पर से सुन रहे नहीं थे शफी अंकल, 1 लाख रुपए दियो भेज दो बोल के बोले। आपके साथ में और कितने लोग हैं वहाँ पर ऐसे खवातीन जो फंसे हुए हैदराबाद के हैं? हाँ सिर्फ 15 जने हैं। गए कहीं को, क्या वजह है क्या जाने की? बहुत परेशानी थी ये लॉकडाउन के तरफ से, तो इसीलिए गए कि यहाँ पर 40,000 तनख्वाह दिला तो मैं तुम्हारे बोल के लेके भेजे यहाँ पर। यहाँ पर 10 कमाने से बेहतर वहाँ जाके ऐसा 40,000 कमा सकते बोल के भेजे। तो आप अब जहाँ 3 महीने काम करे, आपको कुछ पैसे दिए उन्होंने आपको? नहीं 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 दिए, 1 रुपया भी नहीं मिला आपको ये 3 महीने में? नहीं नहीं मिला। जरा जोर से बोलो आप। नहीं मिला। धोखे का शिकार नहीं होंगे और हमारी हैदराबाद पुलिस जो है इन जलील एजेंटों के खिलाफ में एक्शन लेंगी।